हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सरफेस वॉल्यूम के चैप्टर से एक और सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड पे लिखा है। यहाँ पे आपसे कहा है, टू स्फीयर्स ऑफ सेम मेटल वे 1 किलोग्राम एंड 7 किलोग्राम। दो मेटल के स्फीयर हैं और दोनों जो स्फीयर हैं वो सेम मेटल के बने हुए हैं। इट मीन्स डेंसिटी दोनों की सेम है, तो एक स्मॉलर है और एक बिगर है, और इन दोनों में एक का वेट 1 किलोग्राम है, दूसरे का 7 किलोग्राम है। उसके बाद आपसे कहा है, द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। जो छोटा स्फीयर है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। द टू स्फीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्फीयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर। इन दोनों स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर और बनाया गया है, तो हमें बताना है उस बड़े स्फीयर की रेडियस क्या होगी। तो हमने ये फिगर ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर इसका वेट 1 किलोग्राम, इसका 7 किलोग्राम, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो हम इस स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर इक्वल टू 4/3 πr³। ओके, तो ये अपने पास आ जाएगा 4/3 πr, की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे क्योंकि इसकी रेडियस 3 दे रखी है, और क्यूब करेंगे तो 3 टाइम्स, एक 3 कैंसिल होगा। यहाँ पे 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 πcm³। इस जो स्फीयर है, छोटा स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम आ गया अपने पास। अब इसका वेट 1 किलोग्राम है और इसका 7 किलोग्राम है, तो हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम हमें इसका मास दे रखा है दोनों का किलोग्राम में, अब सेंटीमीटर क्यूब में इसका निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू, जो स्फीयर टू है अपने पास उसका वॉल्यूम। अब ये 1 किलोग्राम वेट वाले का इतना है, सेम मेटल से बने हुए हैं, 7 किलोग्राम वाले का 7 × 36 πcm³ हो जाएगा। अब इन दोनों स्फीयर्स को मेल्ट करके ये स्फीयर बनाया गया है, तो इन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम है वो इस बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमारे पास अब इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टू गिवन स्फीयर्स। जो स्फीयर्स हमें गिवन है उनके वॉल्यूम का जो टोटल है वो बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है। ये अपने पास हो जाएगा 4/3 πr³। इसके रेडियस को हमने कैपिटल R से डिनोट किया है, और ये हमारे पास हो जाएगा छोटे वाले का तो है 36 π प्लस में बड़े वाले का 7 × 36 π। अब यहाँ पर हम 36 π कॉमन ले सकते हैं, 36 π × 1 + 7, इट मीन 8 × 36 πcm³ वॉल्यूम आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड है 4/3 πr³। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी 8 × 36 लिख सकते थे, लेकिन मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता आपके लिए कि ये 1 है, 1 किलोग्राम का 36 है, तो 7 किलोग्राम का 7 टाइम्स, और 1 + 7 8 टाइम्स हम इसको लिख सकते थे, ठीक है। और सिस्टम से हम ऐसे लिख सकते हैं, या वैसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 से 2 पे कैंसिल हो गया, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब अपने पास आर क्यूब यहीं पर रखेंगे, इक्वल टू 2 × 36 × 3, और वहाँ पे चला जाएगा अपने पास, ठीक है। अब हमें क्यूब रूट निकालना है, आर चाहिए हमें, आर क्यूब की वैल्यू है ये, तो मल्टीप्लाई ना करें, यहीं पर हम ट्रिपलेट सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 × 3 = 6 है, और 36 को 6 × 6 हम लिख सकते हैं। अगर आप पूरी मल्टीप्लाई करके फिर क्यूब रूट निकालें, एक ही चीज़ है, तो कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम यहीं पर फैक्टर कर लेते हैं। जब भी आपको स्क्वेयर हो या क्यूब हो और आपको बाद में स्क्वेयर रूट या क्यूब रूट निकालना है, तो मल्टीप्लाई करने की बजाय आप वहीं पर फैक्टर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास आर क्यूब इक्वल टू 6³, सो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस बड़े स्फीयर की जो रेडियस है वो हमारे पास 6 आ गई। तो डायमीटर हमसे पूछा है, तो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, और 2 × 6 = 12 सेंटीमीटर। तो ये था आज का क्वेश्चन।
उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।